मुस्लिमों के बीच पैठ बनाने में जुटा आरएसएस अब अल्पसंख्यक महिलाओं को फैमिली प्लानिंग के फायदे बताएगा। आरएसएस का अनुषांगिक संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आज से राजस्थान के अजमेर में मुस्लिम महिलाओं के लिए छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पर सेमिनार कर रहा है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि देश में मुस्लिम जनसंख्या बढ़ने से न केवल सामाजिक तनाव पैदा हो रहा है बल्कि गरीबी भी बढ़ रही है और देश की ग्रोथ रुक गई है। इस मौके पर उन्होंने सम्मान लौटाने वाले साहित्यकारों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों को भी आड़े हाथों लिया है। मजहब के नाम पर तकसीम होकर झगड़े ना हो, अपने अपने मजहब पर चलें, दूसरे के मजहब की इज्जत करें ताकि भाईचारा आए। छोटा परिवार सुखी परिवार ये उन्होंने रखा है। मैंने उनसे पूछा ये क्यों लिया है, उन्होंने कहा जनसंख्या भी बोलती है और हमारा घर घर और मोहल्ला और इलाका भी बोलता है कि जनसंख्या का असंतुलन जब बढ़ता है मजहबों में तो मजहबों के लोगों के अंदर आपस में नफरत शक पैदा होता है, ये अच्छा नहीं है। दूसरा, जनसंख्या बढ़ गई, हो सकता है राजनेता तो खुश हो जाए हमारा वोट बैंक बढ़ा है, परंतु गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा बढ़ती है। और इसलिए रसूल साहब ने हदीसों के द्वारा साफ संदेश दिया है, उतनी संतान पैदा करो जो संतान आप लायक और कामयाब बना सकते। इसलिए छोटा परिवार सुखी परिवार, इस पर भी वो वहां भाषण होंगे।